नमस्कार, सेल्फ गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास के अगले क्लास में हम चलते हैं। पिछले क्लास में हमने 24 क्वेश्चन तक बताया था, अब उसके आगे 25वां क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो चलिए देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, अर्थात खाद्य उत्पादन करने लगा। मतलब कि नवपाषाण काल में यह है कि मनुष्य कृषि कार्य करना सीख लिया था और खाद्य उत्पादन करने लगा था। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से उत्पादक भी बन गया है, मतलब भोजन की कम पैदावार करने शुरू कर दिया है नवपाषाण काल से ही। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और इसके उपयोग से कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सीख लिए थे और तथा वो बैलगाड़ी वगैरह बना कर पहिए से उसे सामान ढोने के लिए यूज किया जाने लगा। पहिए और चाक का आविष्कार सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। पहिए और चाक का आविष्कार सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। अगला है, नवपाषाण काल में बर्तनों पर नक्काशी चित्रकारी में रंगों का भी प्रयोग होने लगा था। नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा विकसित कर गया था, जिसमें बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का भी प्रयोग होने लगा था। और गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को नव क्रांति की संज्ञा दी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है कि नवपाषाण काल को नव क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो उसमें आप सीधा सीधा गार्डन चाइल्ड महोदय याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ, ये अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नवपाषाण काल में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम में मिलता है। कहाँ मिलता है, कौन से स्थान पे बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, यह कश्मीर में है। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के उपकरण चिराद बिहार से मिले हैं। हड्डियों के उपकरण चिराद जो होता है, उपकरण मतलब कि औजार वगैरह जो है, वो बिहार से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नवपाषाण काल गुम्फ कराल जो कश्मीर में है, से कुम्हार के आवे का साक्ष्य मिला है। कुम्हार के आवे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो नवपाषाण काल से मिला है, वो भी गुम्फ कराल जो कश्मीर में है, मतलब कश्मीर के गुम्फ कराल से कुम्हार के आवे का साक्ष्य मिला है। अगला है, मेहरगढ़ जो अब पाकिस्तान में है, से कृषि का प्रथम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। और अगला क्वेश्चन जो है, विश्व में कृषि उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य फिलीपींस से मिलता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि उत्पादन का कहाँ से मिला है, तो वो प्राचीनतम साक्ष्य फिलीपींस से मिला है। अगला है, नवपाषाण काल में पहली फसल गेहूं और जौ को माना जाता था। जिसमें से जौ को पहली फसल माना गया है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी मतलब जौ जो फसल है इसे सबसे पहली फसल माना गया है, क्योंकि गेहूं और जौ दोनों को माना गया है, लेकिन एग्जाम में जो भी आता है तो उसमें आप जौ को लगाइएगा, क्योंकि जौ हमारी पहली फसल मानी गई है। अगला है, इलाहाबाद के कोलडीहवा में धान का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका बनता है, इलाहाबाद के गुड़ में धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये हो गया एक, और दूसरा हो गया कि कितने ईसा पूर्व में पहले मिला है, तो वो धान का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। अगला क्वेश्चन है, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है उन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। अगला है, ब्रूस फुट ने चेन्नई के पल्लवरम से एक लीवर बिदाने की खोज की थी।
ब्रूसफुट ने, जिन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता था, उन्होंने चेन्नई के पलवरम से एक क्लीवर बिदारने की खोज की थी तथा इसे भारत में खोजी गई पहली कलाकृति मानी गई थी। अगला है अलेक्जेंडर कनिगम को भारत का पुरातत्व का जनक, भारत का पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिगम। अगला है नदियों में मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी थी। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि मिस्र सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है, नदियों में सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है, तो वो है मिस्र, मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी थी। अगला है मिस्र घाटी की सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मिस्र घाटी की सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आता है एग्जाम में। मिस्र का उगते हुए सूर्य का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में मिस्र के उगते हुए सूर्य का मंदिर प्रसिद्ध है। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है, मिस्र में जो सम्राट होते हैं उन्हें फराओ कहा जाता है, फराओ मतलब कि जो राजा हैं उन्हें फराओ कहा जाता है। चीन की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता वांगो नदी पर विकसित हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वांगो नदी पर विकसित हुई है चीन की सभ्यता। कपड़े पर लिखने का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था, चीन वो पहला देश है जहाँ पर कपड़े पर लिखने का आविष्कार हुआ था। अगला है कागज का आविष्कार भी चीन में पहली शताब्दी में हुआ, यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला तो ये कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ और दूसरा ये है कि किस शताब्दी में हुआ, तो इसका हो जाएगा कागज का आविष्कार चीन में हुआ और वो भी पहली शताब्दी में हुआ किया गया था। चीनियों ने जल का जलघड़ी भूकंप लेखी यंत्र का आविष्कार किया और इस बात का पता लगाया कि भूकंप का केंद्र कहाँ है, सर्वप्रथम चीन ने ही भूकंप के केंद्र का पता लगाया था। अगला है सर्वप्रथम चीनवासियों ने जाना कि प्राचीन में उनके यहाँ दो धर्म प्रचलित थे, पहला ताओ धर्म, इसके संस्थापक लाओत्से थे, लाओत्से ये ताओ धर्म के संस्थापक थे, और दूसरा जो धर्म है वो कन्फ्यूशियस धर्म है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक फत्से थे। तो आज बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जहाँ से अधिक आप लोग इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।